सूर्य मैथिली जी, शुरुआत करते हुए ये जो स्थिति बनी हुई है इसका समाधान क्या है? उधर किसान मानने को तैयार नहीं है, इधर से सरकार की ओर से उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और जवाब दिया जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान की ओर बढ़ा जाए। धन्यवाद चित्रा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। देखिए, आज आपने देखा किस प्रकार से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा कुछ वीडियोस में कि गोलियां भी चलाई गई हैं। जिस प्रकार से ट्रैक्टरों के द्वारा हमला किया गया वो याद ताज़ा हो जाती है, जैसा कि हमने लाल किले के अंदर और दिल्ली में अराजकता की स्थिति में देखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं चित्रा जी कि ये जितना भी आंदोलन है, आप देखिए जिस प्रकार से दोनों कैबिनेट मंत्री, तीन कैबिनेट मंत्री मिले, लगातार तीन तीन चार चार घंटे की बैठक हुई, बातचीत हुई, सरकार ने इनकी 12 या 13 मांगों में से 10 तो मान ली, बाकी 2 या 3 मांगों पे ये अड़े रहे। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये किसी भी हालात में स्थिति को खराब करना चाहते हैं, किसी भी हालात में लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से लगातार किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में कहीं ना कहीं विघ्न फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं चित्रा जी, यदि इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो कहीं ना कहीं कुछ तार ऐसे भी आपको निकल के आएंगे जो कि देश विरोधी अवांछनीय तत्वों के संग जुड़े हुए होंगे। हमने पिछली बार भी देखा, आप करवाएंगे यहाँ पर, देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये जो किसान है अलग अलग संगठनों के हैं, एक साथ लोग हैं, इनका ये कहना है कि आपने जो वादे किए थे सरकार की ओर से वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन आपका एक पक्ष है वीरपाल सिंह जी, अब सीधे आपके पास आते हुए समाधान क्या है? क्या दिल्ली कूच से ही निकलेगा समाधान? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करने चाहूंगा और दूसरे मैं आपके बताऊंगा, जैसे अभी ये मेरे भाई कह रहे थे सूर्य जी के, सरकार हर समय किसानों के बात करने के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं सरकार के। सरकार हर समय तैयार रहती है किसान भाइयों से बात करने के लिए। और कल मीटिंग चल रही थी, 10 बातें उनकी मान ली गई थी, 3 बातें डिस्कशन चल रहा था, 3 बातों जो बात बाकी थी, 3 मांगे उनकी, लेकिन वो किसान बीच में उठ के बीच में चले गए। तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है, जब आप 13 में से 10 मांगे आपकी मान ली गई और 3 मांगे अंडर डिस्कशन है, तो उनका भी समाधान कुछ ना कुछ निकलना ही था। तो ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम बीच में चले जाएं। अच्छा, फिर ये लोग लगातार, ऐसा मैंने सुना है कि लगातार कुछ ना कुछ नई बातें उसमें जोड़ते जा रहे हैं, ये भी कोई तरीका नहीं है भाई। जो आपने 13 मांगे रख दी और 13 में से 10 पे हमारी सरकार ने मांगे मान ली और 3 मांगे अंडर डिस्कशन है, चल रही है, तो 3 में भी फैसला हो जाएगा। आप पहले बाद की बातें में तो बाद में मांगे जोड़ते जाओगे। कभी कभी ये लोग कह रहे हैं WTO से निकल जाओ, कभी कहते हैं FTA से अलग हो जाओ, कभी भाई देखो सारी बातें एक बार नहीं होती। जो किसान की 8% मांगे हैं, किसान की मेन जो मांगे जा रहे हैं कि जो MSP पे गारंटी है। और फिर अभी मैं आपके एक बात और लेनी चाहूंगा, अभी कांग्रेस के एक भाई जयराम रमेश जी साथ बोल रहे थे, वो काले कानून कह रहे थे और सरकार को कोस रहे थे। अरे पहले आप ये बताइए 3 काले कानून वो कौन से थे क्या? ठीक है सर, अभी हम राजनीति पर नहीं जाएंगे, अभी हम किसानों के मुद्दे पर रहते हैं जो मांग उन लोगों की ओर से की जा रही है। मेजर सिंह पुनावाला जी, आप संयुक्त किसान मोर्चा से हैं, आपके पास आते हुए यहाँ पर दो हमारे जो गेस्ट हैं उनके ओपनिंग रिमार्क आपने सुन लिए। इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार जब बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है तो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के आंदोलन का क्या मकसद है? पहले तो मैं इनको बेनती करता हूं, आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए। कि हमें ऐसा कुछ ना बोलना चाहिए कि इसके अंदर कुछ और होएगा भाव, हमें देश विरोधी ताकतें बोलते हैं सूर्या जी। जे कुछ आपने दिल्ली भी बोल लिया, हम 13 महीने रहे, हमने किसी का कुछ भी नहीं नुकसान किया उस सरकारी प्रॉपर्टी का। हमें वहां भी आतंकवादी कहा, उसमें हम माओवादी भी कहा, हमें बाहर से आने वाले फंड भी बोला आपने। आप ऐसा ना बोले, हम देश की रक्षा करने वाले पंजाब के किसान है जिसने अनाज भी दिया आपको और बॉर्डर की राखी भी कर रहे हैं। अभी तो पत्थरबाजी हो रही है, बोल लेने दीजिए। हमारी बात सुनिए, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। दूसरी बात रही हमारी मांगों की, MSP की बात उन्होंने की है। जब हम दिल्ली से वापस आए से हमारा मोर्चा उठाकर हमें सरकार ने 9 दिसंबर को केंद्र ने लिखती वादा किया था कि हम इन मांगों को पूरा करेंगे, उसमें MSP था। MSP पर उसने 2 साल में कुछ नहीं किया, बोलते हैं कि उसको दूसरी स्टेट में बिचारना है, हमें इतना पैसा चाहिए। 2 साल में सरकार ने की किया। दूसरा है जो लखीमपुर खीरी में हुआ, सिट ने भी बोला कि बा इन्होंने
लोगों ने प्लान इनको किसानों को कुचला, उल्टा हमारे पर भी किसानों पर पर्चे दर्ज किए। वो क्या उन्होंने किया उस पर लखीमपुर खीरी का, जो हमारे साथ वादा किया था, हमारे साथ वादा किया था बिजली बिल 2020 को हम पास नहीं करेंगे, किसानों के साथ बात करके इनको पास करेंगे। वो सरकार पार्लियामेंट में लाई, स्टैंडिंग कमेटी के पास पड़ा है, हमने कोई मांग और नहीं जोड़ी। जब हम दिल्ली से आए, वो जो 9 दिसंबर को हमें लिखती मिला, उन्हीं मांगों को हम दोबारा दोबारा, एक बार नहीं, हम 3 दिन सभी देश के राजधानियों में धरने लगाकर 26, 27, 28 नवंबर को गवर्नरों राही इनको मांग पत्र दिया, हमने डीसीओं राही मांग पत्र दिए, हमने बार बार सरकार को रिक्वेस्ट की है, बोला है कि हमारी जो मांगे हैं आपने किया था, हम बाद में कर लेंगे। हम तो वापस आ गए थे, 2 साल में सरकार ने क्या किया है? ठीक है, हम जैसा बोलते हैं कि हमारी हालात की है सरकार ने, दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए सारे, कंडियाली तार लगा दी, ऐसा कुछ तो पाकिस्तान के बॉर्डर में है। ठीक है, मैं जवाब दे लेती हूँ इस पर, हमारा सारा लिंक जी। हाँ, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, मैं जवाब दे लेती हूँ। सूर्या मैथिल जी, अब सवाल पूछा जाएगा ना कटीले ताले, उसके बाद आशुतोष जी और वीएम सिंह जी, मैं फौरन आपके पास भी आ रही हूँ, और हमारे साथ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कटीले तार लगा देना और फिर रोकने के लिए इस तरह से, तो वो जो तस्वीरें हैं वो पलट कर पूछा जाएगा ना कि किसान अगर आना चाहते थे तो आप आने देते, क्या जरूरत है उनको रोकने की? देखिए चित्रा जी, जन देश ने अभी 2 साल पहले भी देखा था किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों को घेरा गया, जिस प्रकार से 13 महीने तक राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक किए गए, और लगातार सरकार बातचीत करने को तैयार रही, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उसमें इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लगातार अपनी मांगों को बदलते रहे, जैसे कि अभी वीरपाल जी ने भी कहा। मैं एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूं एमएसपी के ऊपर, लगातार मोदी सरकार किस प्रकार से किसानों को आय को वृद्धि करने और एमएसपी पे काम कर रही है। गेहूं 2014-15 में जो एमएसपी मूल्य था वो 1400 रुपए था, लेकिन 23-24 के अंदर वो 2125 हुआ, और अभी 24-25 में 2275 रुपए हुआ। उसका लागत मूल्य जो है 1128 था, जो 1100 रुपए जो 2014 में था 1735 रुपए 22-23 में हुआ, 1850 रुपए 24-25 में हुआ, और उसका लागत मूल्य 1100 रुपए। और एक और मैं बता दूं, चना 3100 रुपए 2014-15 में था, और आज 23-24 के अंदर वो 5335 रुपए हुआ, अब 24-25 में उसको बढ़ाकर 1440 रुपए किया गया, और उसका लागत मूल्य 3400 रुपए है। मसूर दाल 2950 रुपए 2015 में था, 6000 रुपए पिछले साल रहा, इस साल 1425 रुपए हुआ, उसका लागत मूल्य 3405 रुपए हुआ। चित्रा जी, लगातार नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय को वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ किसान नेता बैठे हुए हैं, एमएसपी का विषय जो है आप केंद्र के ऊपर प्रेशर देते हैं, क्या वो राज्यों का विषय नहीं है? आपने पंजाब सरकार के ऊपर कितना प्रेशर दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आखिर क्या कारण है कि केवल और केवल दिल्ली को टारगेट किया, दिल्ली के रोडों को आपने रोकने की कोशिश की, दिल्ली के स्पेशल में पत्थरबाजी की? आप उत्तर दीजिए, ये सीधा सीधा बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी से सर। मेजर सिंह, खेती बाड़ी राज्यों का विषय है, आपने कानून क्यों बनाए? पानियों का सवाल है, जो हमारा बिजली डैम है पाखड़ा, आपने सीधा आपके हाथ में ले लिया। एजुकेशन स्टेटों का विषय है, आप सीधा उसमें दखल दे रहे हैं। सर थोड़ा पढ़िए तो सही, आप क्या कह रहे हैं, आप आज तक बैठ के बात कर रहे हैं। हम कहते हैं स्टेटों पर आप दखलंदाजी करते हैं। आपने पंजाब सरकार के साथ कितनी बातचीत की है तो बताइए। हम पंजाब सरकार से पंजाब सरकार के साथ कितनी बातचीत की आपने एमएसपी के विषय में, बताइए आप मुझे। जो केंद्र केंद्र के साथ है उसके साथ ना, केंद्र की बात नहीं, आप राज्य के विषय में बात कीजिए ना। आपने पंजाब के अंदर कितनी बात की? एक एक करके बाकी लोगों को भी लेकर आना चाहेंगे, चाहे राज्य हो या किसान हो, केंद्र हो, दोनों की जिम्मेदारी है किसानों के मुद्दे को एड्रेस किया जाए, इसमें किसी एक पर इस तरह से। लेकिन मैं आऊंगी, और भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि 12 सवालों की लिस्ट पकड़ा दी गई है, और सभी मांगे मांगने की बात बार बार कही जा रही है। कई उसमें इस तरह का परसेप्शन बन रहा है कि क्या वो राजनीति से भी प्रेरित है। वीएन सिंह जी, ये सवाल आपके पास आते हुए, अब एमएसपी की मांग, दूसरी मांगे तो समझ में आती हैं, लेकिन उसमें कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर पूछा जा रहा है कि क्या ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। और जब अब 1.5 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा के चुनाव में, उसके ठीक पहले इस तरह का कूच, ये क्या बताता है सर? मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, ज्यादा नहीं। पहली चीज तो जो आपने पूछी है कि एमएसपी के बारे में, ये मांग आज की नहीं है, सन 2000 में
20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक पीलीभीत से लेके जो ये डिमांड उठी थी, 250 किलोमीटर पे रोड जैम, चक्का जैम सब था। राजनाथ सिंह जी को सीएम बनाया गया था, राम प्रवेश गुप्ता जी को हटाया गया था। ये डिमांड बहुत पुरानी है, ये मत कहिए। और अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि एमएसपी का रेट 1400 था, 1400 से 2100 हो गया 10 साल के अंदर। भाई आंकड़ों की अगर बात करनी है, सातवां वेतन आयोग आया 2014 में, तब मिनिमम वेज था, उससे पहले क्या था? मिनिमम वेज था 7000 रुपया, हो गया 18000 रुपया, अपने लिए तो ढाई ढाई गुना हो गया। किसान के लिए अगर आपका जो जो आता है इनपुट कॉस्ट की कवर नहीं होती है, ये बहुत पुरानी डिमांड है, इस डिमांड को मीट करना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, 250 संगठन है और मैं कह सकता हूँ एक भी संगठन आज इसमें नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है। हम दिल्ली आए थे 3 दिन के लिए, 6, 7, 8 अक्टूबर 2022 में मेरे अपने खेत के अंदर हमने 3000 लोगों का डेलीगेशन वहां लेके आए थे, हमने किसी को तंग नहीं किया। पर क्योंकि सनसनी नहीं बनी उस समय, ना मीडिया ने कवर किया, हमने मंत्री जी को, तोमर जी को बार बार कहा कि आके हमारी बात सुन लो, किसी ने बात नहीं सुनी। ये मुद्दा ऐसा है, हम हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उत्तर प्रदेश में 5112 जो है ऑफ 2000 हमने केस फाइल किया, और ये मुद्दा जो है कोर्ट ने, कोर्ट के कहने पर खरीद हुई वहां पर चालू। राजनाथ सिंह जी से पूछ लीजिए, उनको मालूम है ये पूरा का पूरा। उस समय वो सीएम थे, उस समय राम प्रकाश गुप्ता के बदले वो आए थे। ये पूरी चीज फैक्चुअल पोजिशन है। हाँ, एक चीज मैं कंडेम करता हूं हमेशा, जब 26 जनवरी को भी हुआ था, तिरंगे का अपमान हुआ था, हम उठ गए थे वहां से जी। हमारा काम मलम पट्टी कराना है, अस्पताल को तोड़ना नहीं है, पर एट द सेम टाइम ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट के अंदर सरकार का भी काम है। अभी मंत्री जी ने बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है।